कार साइलेंट इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद आजाद आलम। अभी हम मौजूद हैं आजम नगर प्रखंड अंतर्गत महेशपुर पंचायत में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये पुल है, ये तकरीबन 3-4 साल से ऐसे ही बना हुआ है। आप देख सकते हैं इंजीनियर और भ्रष्ट अधिकारियों का कितना बड़ा ये कारनामा है। उसके पीछे भी एक पुल बना हुआ है और वो पुल इस तरह से बना हुआ है कि मानो उधर से पानी आएगा, फिर अगर ये सड़क इस पुल से अगर बन के जाएगा तो ब्लॉक हो जाएगा। किस ढंग से बनाया है और किस तरीके से बनाया है ये तो बिहार सरकार का इंजीनियर ही बता पाएगा, और जो अधिकारी बनवाया है और जो नेता बनवाया है इस पुल को तो वो यही बता पाएंगे कि किस ढंग से डिजाइन किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से ये पूरा जो है इस साइड से पूरा ये नदी है और ये बीच में पुल बना दिया है, साइड में भी पुल, वो मेन रोड है ये नेपड़ा गाँव जाने के लिए, और उस साइड से उसके पुल के पीछे से है जो महेशपुर पंचायत जाता है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से भ्रष्टाचार हुआ है। 3-4 साल पहले पुल बना है, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, और ये जो है सड़क भी नया नया बना है 3-4 साल पहले। अच्छा, ये क्या नाम हो गया आपका? मोहम्मद जाबिर। कहाँ से आ रहे हैं अभी? अभी आ रहे हैं सिरकोल से। सिरकोल से जमीन का कागजात सही करने के लिए गए थे। ये जमीन का कौन सा कागजात? आपका जमीन का? जी मेरा सारे। किधर से जाना आना करते हैं? इसी रास्ते से भी तो बंजर पड़ा हुआ है। अच्छा, हम लोग गज होकर के बुदल होकर तब महेशपुर जाते हैं। अच्छा, यहाँ जो है तो बारिश में पानी बहुत हो जाता है, हाँ, कोई आदमी जा आ नहीं सकता है। ये सड़क जो है कहाँ से कहाँ तक गया? यहाँ इस सड़क जो है तो यहाँ से लेकर के निमुआ महेशपुर गया, महेशपुर का पश्चिम इधर गया रंगा पकड़ तक। रंगा पकड़ जी। अच्छा, आपके पीछे जो ये पुल है ये कब से बना हुआ है और कौन बनाया? लगभग 4 साल हुआ। 4 साल से ऐसे पड़ा हुआ है बंजर? जी बंजर पड़ा हुआ है। और सिकंदर मुखिया ये लिया था। सिकंदर मुखिया कौन सा पंचायत पर? पचकुनिया, ये निमल पंचायत का बोलानी। और ये सिकंदर मुखिया बनवाया मिला के बनवाया? तो 4 साल से ऐसे पड़ा हुआ है? पड़ा हुआ है। तो कुछ क्या आप इधर मतलब इसका आप इधर से आना जाना करते हैं, क्या दिक्कत होता है? ना बहुत सारी दिक्कत है। हम लोग जो है तो खेती करते हैं, पानी जब नदी भर जाता है तो हम लोग जाने आने में परेशानी होता है। समझ लीजिए कि यहाँ का जमीन तो नहीं है, हम लोग किसान है, किसान का जमीन जहाँ तहाँ है। हमारा बाबा जी का जमीन 15 बीघा जमीन पुदलमनी में है, आखिर जाना पड़ता है ना, तो जाने आने में तकलीफ नहीं होगा? ये रास्ता शायद आपका शॉर्टकट पड़ता होगा आपका घर से? बहुत शॉर्ट है, महेशपुर जाने में बहुत शॉर्ट है, लगभग बोले जो 3 किलोमीटर ज्यादा हटकर जाना पड़ता है महेशपुर। हटिया जाते हैं तो हम लोग बाजार करने के लिए, इस रास्ते से जाएंगे तो 1.5 किलोमीटर में हम लोग पहुँच जाते हैं। अच्छा, मतलब तो हम लोग को तकलीफ नहीं? दूसरे साइड से जाइएगा तो 3 किलोमीटर 3 किलोमीटर पड़ता है, और इधर से आप जाइएगा तो 1.5 किलोमीटर 1 किलोमीटर में पहुँच जाते हैं। तो क्या कहना चाहते हैं सरकार से, क्या मतलब ये पुल बनना चाहिए? पुल बन जाने से ठीक होगा, नहीं तो हम लोग सोचेंगे सरकार गिरा हुआ है इसीलिए काम नहीं हो रहा है। क्या सरकार देखता है? नहीं, वायर लाइन लगा के सब पूरा इंडिया देख लेता है और ये जगह नहीं देख पाता है। ये सब जो ऐसे ही बंजर पर आता है, सब भ्रष्टाचार होता है, इसका जिम्मेदार कौन है? क्या कहना चाहेंगे सब पे जो व्यक्ति जिम्मेदार है या बनाता है? बनाने वाला बना ले, हम लोग क्या तकलीफ है? पहले नहीं था तो किसी तरह से चलते थे, अभी भी चलेंगे, अभी चलते भी रहते हैं। यहाँ बन जाने से हम साइकिल तो नीचे आकर के तब ऊपर में चढ़ के अपना घर जाते हैं। इसको बनना जरूरी है। अब देख सकते हैं जो ये कच्ची सड़क बनाया है, तो ये सड़क है अनकम्प्लीट है, पुल बीच में बना दिया है और नदी का धार इस तरफ से लेके इस तरफ तक है, और इसके पीछे भी एक पुल बनाया गया है। तो ये समझ से परे है कि किस डिजाइन के तहत, किस ढंग के तहत इस पुल को बनाया गया है। आप देख सकते हैं ये पुल जो है ऐसे ही बन तो गया है, लेकिन ये ऐसे ही पड़ा हुआ है ना, कंप्लीट किया है, दोनों साइड से अनकम्प्लीट है, रास्ते में ला के अप्रोच पथ को जो है मिलाया नहीं है। आप देख सकते हैं बीच में ये इतना गैप है, और बाकी ये साइड में मेन रोड में ये पुल है। तो अब ये किस ढंग से बनेगा, इस पुल का पथ कहाँ से जाएगा, तो अब ये इंजीनियर ही बताएगा। और बाकी जो है देखते रहिए साइलेंट इंडिया। जय हिंद।